सुपर एट की रेस अब शुरू हो चुकी है और भारतीय टीम का ये पहला मुकाबला है अफगानिस्तान के साथ। एक और वो टीम है जो लगातार अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत रही है और मैच जीतकर बड़े लेवल पर अपने आप को साबित कर रही है अफगानिस्तान। दूसरी ओर टीम इंडिया है जो T20 विश्व कप उठाने का सपना लेकर चल चुके हैं। अब भारतीय टीम जो है 20 जून को भारतीय समय अनुसार रात के 8 बजे जो है वो अफगानिस्तान के साथ मुकाबला खेलेगी, लेकिन यहाँ की पिच क्या है, क्या बदलाव होगा टीम इंडिया में और अफगानिस्तान टीम में, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वेस्ट इंडीज की अगर पिचेस की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से स्पिन गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती आई है और दोनों ही टीमों के पास, भारतीय टीम की भी बात करें और अफगानिस्तान, दोनों के पास बहुत क्वालिटी स्पिनर्स गेंदबाज हैं, चाहे वो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जडेजा हो, चाहे वो चहल को भी अगर इंक्लूड करते हैं, और चाहे इधर फिर राशिद खान हो, मोहम्मद नबी और नूर अहमद, यानी कि तो बेहतरीन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो जो आज बेहतरीन गेंदबाजी करेगा वही मुकाबला जीतेगा। और भारतीय टीम में अब बदलाव होगा, अब एक तेज गेंदबाज जो है वो आपको कम होता हुआ नजर आएगा, कुलदीप यादव स्लाइडली ज्यादा चांसेस है कि वो इंक्लूड हो जाएंगे टीम में चहल के कंपैरिजन में, और अब विराट कोहली के भी बल्ले से आप रन देख सकेंगे। विराट कोहली भी अब लगातार 3 मैच में अगर फेल हुए हैं तो फिर चौथा मैच तो वो फोड़ने वाले हैं। और वहीं अफगानिस्तान की बात की जाए तो इनका स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों साथ में चल रहा है, चाहे वो फजल अक फारूकी हो जो हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक T20 वर्ल्ड कप में, और चाहे बल्लेबाजी हो, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रही है टीम, तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही चुनी जाएगी क्योंकि यहां पर टारगेट चेस करना आसान होता नहीं है। भारत में रात 8 बजे जरूर दिखेगा पर वहां पर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा तो उसका खतरा नहीं है, और जैसे जैसे धूप होगी ना विकेट और स्लो होता जाएगा, तो टीम इंडिया टॉस जीते अगर तो पहले गेंदबाजी करेगी या कोई भी जीतेगा गेंदबाजी करेगा। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके बताएं, तब तक के लिए देखते रहें वनडे हिंदी।